हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए दो कच्चे आलू से बनने वाली नाश्ते की इजी टेस्टी हेल्दी रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप 5 से 10 मिनट में घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप इसे मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में बनाए, दोपहर के लंच में बनाए या शाम की छोटी मोटी भूख में बनाकर ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने दो कच्चे आलू लिए हैं ग्रेट किए हुए, जिन्हें मैंने अच्छे से धोकर साफ कर लिया और उसका सारा स्टार्च निकाल दिया। उसके बाद मैंने इसमें 1 कप बेसन ऐड किया है, 1 कप सूजी ऐड किया है, उसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच हरी मिर्च ऐड किया है बारीक कटा हुआ, 1 चम्मच धनिया ऐड किया है बारीक कटा हुआ, आप चाहें तो क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड किया है, फिर उसके बाद मैंने प्याज ऐड किया है बारीक कटा हुआ। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, आप चाहें तो और भी स्पाइस ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें अजवाइन ऐड किया आधा छोटा चम्मच, आधा छोटा चम्मच जीरा ऐड किया है, नमक स्वाद के अनुसार ऐड करेंगे। फिर उसके बाद मैंने इसमें 1/2 कप पानी ऐड किया है और इसको एक मिक्स दे देंगे। हम इसमें पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, क्योंकि आलू में अपना मॉइस्चर होता है और आलू भी पानी छोड़ता है, तो इसलिए हम पानी एक साथ ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा बैटर ज़्यादा पतला हो जाएगा। उसके बाद मैंने 1/2 कप पानी ऐड और किया है और इसको अच्छे से फिर से मिक्स दे देंगे। बैटर मुझे अभी भी काफ़ी थिक लग रहा है, तो मैं 1/2 कप पानी और ऐड करूँगी और इसको अच्छे से कंटिन्यूस चलाते हुए मिक्स दे देंगे, जब तक कि हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी परफेक्ट नहीं हो जाती। और देखिए, यहाँ पर मुझे बिल्कुल परफेक्ट बैटर लग रहा है। आप चाहे तो इसे 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट पर भी रख सकते हैं, पर मैं आपको इसे 10 मिनट में बनाना बता रही हूँ, तो इसे मैं फ़ौरन से बनाकर ट्राई करूँगी और मैं इसको फटाफट से बना लूँगी। और मैं अब इसको बिल्कुल भी रेस्ट पे नहीं रखूँगी और अब चलते हैं गैस की तरफ। आप चाहें तो इसे रेस्ट पे रख सकते हैं, रेस्ट पे रखेंगे तो सूजी और बेसन अच्छे से फूल जाएगा, बट इससे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। और इसको मैंने डायरेक्ट गैस पे पकाया है। आप देखिए, यहाँ पे मैंने पैन में 2 चम्मच तेल लिया है और मैं इसको 2 चम्मच ऑयल में ही पकाऊँगी। और यहाँ पर फिर मैंने बैटर तेल में डाल दिया है और यहाँ पर मैं देखिए 2-2 चम्मच बैटर इसमें ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं टिक्कियाँ टाइप बना रही हूँ इस नाश्ते को, छोटे छोटे टिक्कियाँ कबाब टाइप कह सकते हैं आप। इस तरह से 2-2 चम्मच बैटर मैंने पैन में ट्रांसफ़र कर दिया है और इसको हम उलटते पलटते गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे, जब तक कि इस पर अच्छा सुनहरा कलर नहीं आ जाता है, ये ब्राउन कलर के नहीं हो जाते हैं। और देखिए, बिल्कुल अच्छे से पक भी जाते हैं। आप इसे नॉनस्टिक में बनाए या फिर स्टील में बनाए, बिल्कुल भी नहीं चिपकते हैं। और आप इसको लो मीडियम फ्लेम पर ही पकाइएगा, नहीं तो ये कच्चे रह जाएंगे, ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी लगेंगे और अंदर से आपको बहुत सॉफ्ट लगेंगे। और देखिए, मैंने इसको पलट दिया, देखिए कितना सुंदर कलर आ गया है। मैं सारे नाश्ते को इसी तरह से बना लूँगी और मैं बिल्कुल भी इसमें एक्स्ट्रा ऑयल ऐड नहीं करूँगी। आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, बट मैं इसको आपको हेल्दी वे में बनाना बता रही हूँ। और मैं मोस्टली अपनी सारी रेसिपी बहुत हेल्दी वे में बनाना बताती हूँ, मैं बिल्कुल भी डीप फ्राई आपको कोई रेसिपी नहीं बताती। और ये 2 चम्मच ऑयल में देखिए कितना अच्छा सा बन गया है। मैं सारे नाश्ते को इसी 2 चम्मच ऑयल में बना लूँगी, मैंने बिल्कुल भी इसके अलावा इसमें ऑयल ऐड नहीं किया है। और देखिए, हमारा नाश्ता कितना अच्छा सा पककर तैयार हो गया है। मैं उलटते पलटते इसको अच्छे से सेक लूँगी और देखिए, हमारा नाश्ता बन गया है। अभी हम इसको सारे ऑयल को, एक्सेस ऑयल को इसमें रिलीज़ कर देंगे और इसको पैन में निकाल लेंगे, हम अलग पैन में इसको निकाल लेंगे। और देखिए, यहाँ पे सारा एक्स्ट्रा ऑयल मैंने निकाल दिया। अब इसको टिश्यू पेपर में निकाल लेंगे और हम इसी तरह से अपना सारा नाश्ता बना लेंगे। और देखिए, यहाँ पे मैंने अपना सारा, ये सारा जितना भी नाश्ते का एक्सेस ऑयल है, मैंने सारा इसमें निकाल दिया है। और अब इसको पैन से निकाल लेते हैं और अब बाकी का बचा हुआ नाश्ता भी इसी तरह से बना लेते हैं। और देखिए, मैंने बैटर फिर इसमें 2-2 चम्मच डाल दिया है और इस तरह से इसमें बैटर को ऐड कर देंगे और इसको लटते पलटते फिर से इसी तरह से सेक लेंगे सेम प्रोसेस से। और देखिए, हमारा ये नाश्ता ना बिल्कुल आसानी से बनकर तैयार हो जाता है, बिल्कुल भी इसको बनाने में टाइम नहीं लगता। 4 से 5 मिनट में एक बार का बैच बन जाता है, तो इसको टोटल बनने में 10 मिनट लगते हैं, 10 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। और देखिए, ये बनकर तैयार हो गया। लो मीडियम फ्लेम पर ही आप इसको बनाइएगा और देखिए, इसको पलट देते हैं और देखिए, पैन में आपको ऑयल भी नज़र आ रहा होगा। मैंने सारा नाश्ता इस तरह से बना लिया था और बिल्कुल भी ज़्यादा ऑयल नहीं लगता है। और ये 2 चम्मच ऑयल में बना हुआ नाश्ता है और ये बहुत हेल्दी भी है और टेस्टी तो है ही। आप चाहें तो इसे कभी भी बनाकर दे सकते हैं, बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं, जैसे भी आप इसको खाना चाहें खा सकते हैं। और बच्चों को बहुत पसंद आता है, आपके बच्चे कुछ ना खा रहे तो आप इसे ज़रूर से बनाकर ट्राई करें। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे अपना फीडबैक ज़रूर बताएं, कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है। तो मिलते हैं इसी तरह की नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, खाओ पियो मज़े करो, इन्जॉय।